नमस्कार पॉजिटिव भारत सहित मु विकास बुलेटिन आरंभ करबा हेले प्रथमे हेडलाइंस। संसद रे विरोधी हंगामा को नहीं बरसिले सरकार, अचलावस्था नहीं विरोधी को दायी कले आठ मंत्री, आठ बड़ अभियोग सहित आठ मंत्री कले 48 मिनिट्र लंबा प्रेस मीट। एसएचजी को आत्मनिर्भर करने को प्रधानमंत्री पदक्षेप, आत्मनिर्भर नारी शक्ति कार्यक्रम रे एसएचजी सदस्यों मोदी आलोचना, 4 लाख रु अधिक एसएचजी को 1625 कोटी टंकार सहायता राशि प्रदान करें पीएम मोदी, 7500 एसएचजी सदस्यों को मिल 25 कोटी विहन सहायता। रेल और शिक्षामंत्री को भेटिले ओडिशा बीजेपी सांसद माने, निज अंचल समस्या नहीं कले आलोचना, कलाहांडी रे केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा दाबी, कलाहांडी विश्वविद्यालय को यूजीसी मान्यता देवा को मध्य कले दाबी। शहे 52 पुलिस कर्मचारी को मिल केन्द्र गृहमंत्री पदक, पुरस्कार ग्रहण करुवा कर्मचारी ओडिशारु 4 तदंतरे उत्कृष्टता पाई की मिल पुरस्कार, 28 महिला पुलिस अधिकारी भी पाइबे मेडल। एवं आज विश्व हाथी दिवस, हाथी सुरक्षा और संरक्षण पर दि जाऊँगी बार्ता, ओडिशार हाथी वंश वृद्धि नहीं लोकों सचेतन कराऊ वन विभाग, सेपटे हाथी मृत्यु पर वन विभाग अवहेला को दायी कर स्थानीय लोके। आसवा संपूर्ण खबर को, रक्षाबंधन पूर्व महिला उद्योगी मानकु प्रधानमंत्री बड़ उपहार, महिला उद्योगों लगी 1625 कोटी टंकार आर्थिक सहायता घोषणा करते प्रधानमंत्री। कोरोना संकट समय देशवासी को गुरुत्वपूर्ण सेवा जोगाउछन्ती स्वयं सहायक गोष्ठी, आत्मनिर्भर भारत निर्माण में महिला अवदान अतुलनीय, नारी सशक्तिकरण पर सरकार सृष्टि करनेक सुजोग आज प्रधानमंत्री एक बार्ता देते। उनके अंदर आगे बढ़ने की ललक कैसी है, कुछ करने का जज्बा कैसा है, ये वाकई हम सबके लिए प्रेरक है। इससे हमें देश भर में चल रहे नारी शक्ति के सशक्त आंदोलन के दर्शन होते हैं। साथियों, कोरोना काल में जिस प्रकार से हमारी बहनों ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से देशवासियों की सेवा की, वो अभूतपूर्व है। मास्क और सैनिटाइजर बनाना हो, जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाना हो, जागरूकता का काम हो, हर प्रकार से आपके सखी समूहों का योगदान अतुलनीय रहा है। अपने परिवार को बेहतर जीवन देने के साथ साथ देश के विकास को आगे बढ़ाने वाली हमारी करोड़ों बहनों का मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, महिलाओं में उद्यमशीलता का दायरा बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में अधिक भागीदारी के लिए आज बड़ी आर्थिक मदद जारी की गई है। राज्यर अनेक समस्या नहीं केन्द्र रेल एवं शिक्षामंत्री को भेटिंट ओडिशार बीजेपी सांसद माने, निज निज अंचल समस्या नहीं सांसद माने दाबीपत्र देवास आलोचना करहांडी केन्द्रीय विश्वविद्यालय दाबी रखिंट सांसद बसंत पंडा, यहस कलाहांडी विश्वविद्यालय को यूजीसी मान्यता देवा से केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पाखे दाबी करपर निज अंचल रेल समस्या विषय दाबी कर सांसद। माननीय रेलवे मंत्री, आईटी मंत्री, टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को आज भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधिमंडल लोकसभा समस्त सदस्य आमर वर्तमान
मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सांगे समस्त मिसिकरी भेटी एवं राज्यर विभिन्न समस्या रेलवे बाबद सांगे चर्चा आलोचना कलु एवं अति सुंदर भाव से शुणिले एवं संतोषजनक उत्तर दे आगामी दिन में होलिस्टिक एप्रोच रे कंस्ट्रक्टिव वर्क डेवलपमेंट रेलवे ठीक हेबो एवं माननीय प्रिय बरेण्य प्रधानमंत्री जहाँ आशा आकांक्षा अच्छी पूर्ण हेबो। ओडिशार भारतीय जनता पार्टी समस्त सांसद बंधुगण आज आसते भेटिले सब विशेष ओडिशार समस्या जिते जहाँ अच्छी रेलवे प्रकल्पर विषय में सब कथबार्ता हेले आ गोटे गोटे करी सब प्रोजेक्ट्स को आम अगैवा गुड़ाए प्रोजेक्ट्स अच्छी आ गोटे होलिस्टिक डेवलपमेंट जमी ओडिशार हो सीटा आमर अवधारणा रही है। स्वाधीनता दिवस पूर्व घाटी में पुणी आतंकी हलचल। स्वाधीनता दिवस पालन पूर्व जम्मू काश्मीर सुरक्षा बल को बड़ सफलता मिली। कुलगाम जिले में पुलिस तथा सुरक्षा एजेंसी और आतंकवादी मध्य एनकाउंटर घटी। एनकाउंटर में कई आहत किंवा निहत होते कि आतंकवादी धरा पड़ते केतेज धरा पड़ते से बाबद निर्दिष्ट सूचना मिली ना। तेज सूचना अनुसार कुलगाम जितिय राजपथ कड़े जंगल प्रथम सेठे मुतयन बीएसएफ जवान को ऊपरको आतंकवादी माने गुड़ी चलते। आर्मी बीएसएफ सीआरपीएफ एवं स्थानीय पुलिस तरफ मिलित अभियान आरंभ कर पालटा गुड़ चलाइए कहीं मृत कि आहत होना मात्र किसी आतंकवादी धरा पड़ते एवं सुधा स्थानीय अंचल में तलाशी अभियान जारी रही सूचना मिली। आगामी स्वाधीनता दिवस पालन में व्याघात सृष्टि करने अनेक आतंकवादी संगठन योजना करुवर एवं जम्मू काश्मीर दिल्ली समेत देशर विभिन्न स्थान में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी कर आज होची 12 अगस्त। प्रत्येक वर्ष यही दिन सारा विश्व में पालित होता है आंतर्जातिक युव दिवस बा इंटरनेशनल यूथ डे। आज भारत में यह दिवस पालन कर दिल्लीर विज्ञान भवन में आयोजित एक उत्सव में अतिथि भाव में जोगद केन्द्र युव एवं क्रीड़ा व्यापार मंत्री अनुराग ठाकुर। विभिन्न क्षेत्र में भारत पर सुनाम आनीता युव प्रतिभा जितिय युव पुरस्कार पुरस्कृत करते केन्द्रमंत्री आयोजित उत्सव में मोट 22 पुरस्कार प्रदान कर 2017-18 पर 16 जन को पुरस्कृत कर 2018 एवं 19 पर 8 पुरस्कार प्रदान करा युवगोष्ठी निज भितर सठिक मनोभाव सह उच्च अभिलाषा पोषण करी संकल्प एवं निष्ठा बल में सफलतार शिखर में पहुंचा को आह्वान देते युव एवं क्रीड़ा व्यापार मंत्री अनुराग ठाकुर। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मैं सभी युवा साथियों को बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ नेशनल यूथ अवार्ड्स के विजेताओं को भी बहुत बधाई शुभकामनाएं। बहुत प्रसन्नता होती है जब देश का युवा कोई शिक्षा के लिए, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कोई कृषि के क्षेत्र में, तो कोई स्वच्छता के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, समाज में बदलाव लाने का काम कर रहा है और देश के सबसे बड़े स्टेक होल्डर होने के नाते राष्ट्र निर्माण में जब देश का युवा लगा हो तो मुझे लगता है देश और दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक पाएगी भारत को आगे ले जाने के लिए। और यही साथियों के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि उनको पुरस्कृत करके वो एक प्रेरणा के रूप में बाकी युवाओं को जागरूक कर सकें, उनको जोड़ सकें और राष्ट्र निर्माण में एक बड़ी भूमिका अदा कर सकें। 152 पुलिस कर्मचारी को तदंतर उत्कर्षता मिल केन्द्र गृहमंत्री पदक। अपराधर अनुसंधान में उच्च स्तर कार्यक्षमता देखा और तदंतर उत्कर्षता को स्वीकृति देवा उद्देश्य यह पदक 2018 दिजा आरंभ कर पुरस्कार ग्रहण करुवा कर्मचारी मध्य ओडिशार 4 पुलिस कर्मचारी रही जमापड़ 4 हेले इन्स्पेक्टर देवेंद्र कुमार मल्लिक, इन्स्पेक्टर देवेंद्र कुमार विश्वाल, सब इन्स्पेक्टर तृप्ति रंजन नायक और सब इन्स्पेक्टर श्रीकांत साहू। यह 4 को व्यतीत 15 जन सीबीआई 11 जन मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस 10 जन उत्तर प्रदेश 9 जन केरल और राजस्थान पुलिस 8 जन तमिलनाडु पुलिस 7 जन बिहार और गुजरात कर्णाटक और दिल्ली पुलिस 6 जन लेखाएं पुलिस कर्मचारी रही। सहित 28 जन महिला पुलिस अधिकारी मेडाल पाइबा योग्य बेचित होती।
बुलेटिन आउ किसी खबर देखा किंतु ता पूर्व नहीं जावा एक छोट ब्रेक। ब्रेक परे फेरिबा खबर को कोरोनार द्वितीय लहर परे कटकणा कोहळ हेबारु खोलितला स्कूल एवं कॉलेज किंतु एबे पुणी कोरोना आक्रांतक संख्या वृद्धि पाइची जहाकु नै चिंता बढ़िची। स्कूल खोलिबा परे बेंगलोर रे स्थिति जटिल थिबा कहा जाउचे। एही शहर रे स्कूल खोलिबार मात्र 6 दिन मध्यरे पाखापाखी 300 पिला कोरोना रे संक्रमित होइचोदि। बेंगलोर परे हिमाचल प्रदेश हरियाणार अनेक शहर रे द्रुत गति रे वृद्धि पाउची संक्रमण। सूचना अनुसार कोरोना रे संक्रमित होइतबा पिलांक मध्यरे 9-19 वर्षर पिला मध्य रहिछन्ती। केवल अगस्त 5-10 मध्यरे एमाने आक्रांत होइछन्ती जहाकु नै चिंता बढ़िबारे लागिछि। आसवा परवर्ती खबर को उन्नत वैषयिक ज्ञानकौशल प्रयोग में चालक विहीन चारिचकिया गाड़ी तैयारी कले भारतीय इंजीनियरिंग छात्र। महाराष्ट्र पुणे ठारे थिबा एक घर इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय किसी छात्र स्वयं चालित कार तैयारी करिछन्ति। बैटरी चालित एक कार रे चालक बा ड्राइवर दरकार नहीं। कृत्रिम बुद्धिमता बा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोग में एक कार चलाचल करिबो जहाद्वारा मनीष गाड़ी चलाइबा जोगु हेतबा त्रुटि जनित दुर्घटना को रोकि हेबो। कार रे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सह कैमेरा माइक्रो प्रोसेसर सेंसर ऑटोमेटेड एक्शन कंट्रोल सिस्टम इत्यादि अनेक अत्याधुनिक प्रजुक्ति कौशल प्रयोग करा जाएगी। कौनसी शहर में थिबा रास्ता घाटे सैटेलाइट मैप अनुसार यही चालक विहीन गाड़ी आपे आपे यात्री को बसई ठिकना स्थान में पहुंचे पाए। बैटरी व्यवहार होता परिवेश अनुकूल यही चालक विहीन कार। मेरा नाम है यश केसकर। हम अभी फाइनल ईयर मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं। हमारे साथ मैकेनिकल के और इलेक्ट्रॉनिक्स के दोनों ब्रांचेस के स्टूडेंट्स थे। तो इसमें हमें अप्रॉक्सीमेटली एक साल लगा पूरा प्रोजेक्ट खत्म करने में, जिसमें पहले हमने ई व्हीकल डिज़ाइन किया और बाद में उसको ऑटोनोमस में कन्वर्ट किया। तो इसके लिए हमने जैसे तीन सिस्टम्स का कंट्रोल लिया था, थ्रॉटल ब्रेक्स एंड स्टीयरिंग। ये तीन सिस्टम्स को कंट्रोल करके थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने इसका कैंपस जो हमारा कैंपस है इसका मैप इसमें फीड किया एंड देन इस मैप को सो नाउ द व्हीकल इज एबल टू मैनूवर अराउंड द कैंपस ऑन इट्स ओन। ट्विटर एवं कांग्रेस भितर टक्कर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दलर किसी वरिष्ठ नेता परे कांग्रेस ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को लॉक करी ट्विटर कंपनी नियम उल्लंघन ऑफिशियल अकाउंट ब्लॉक करा जायतिबा नै ट्विटर पक्षरु कहाजाउछि। अस्थायी भावे कांग्रेस अकाउंट को ट्विटर ब्लॉक करथिबा जणा पडिछि। एनै दल पक्षरु फेसबुक पोस्ट जरिया रे सूचना दिया जायछि। दलर मीडिया मुख्य तथा मुखपात्र रणदीप सुरजेवाला समेत अखिल भारत कांग्रेस कमिटी महासचिव अजय माकेन, वरिष्ठ नेता मणिकम टागोर, आसाम प्रभारी जितेंद्र सिंह और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुस्मिता देव का अकाउंट को ट्विटर अस्थायी भाव सस्पेंड कर अभियोग जहाँ कांग्रेस फेसबुक रे पोस्ट कर बाबद जन। आज हेउची विश्व हाथी दिवस। हाथी संरक्षण और सुरक्षा पाई प्रतिवर्ष अगस्त 12 तारीख में पूरा विश्व में हाथी दिवस पालन करा जाय थाए। विश्व में हाथी संख्या दिन को दिन ह्रास पाउथिबा बेले आम राज्य में प्रतिदिन हाथी मृत्यु किंवा हाथी और मनुष्य मध्ये लड़ई घटना सामना को आसुची। जंगल ह्रास जोगु एबे हाथी वंश मध्ये संकट में पड़ी। खाद्य अभाव गाँमुआ होती हाथी तेरे एम सुरक्षा पर 2012 अगस्त 12 प्रथम थर पर थाइलैंड हाथी दिवस को पालन कर तेरे आज मयूरभंज जशीपुर हाथी दिवस पालन होता बेले हाथी सुरक्षा पर बार्ता देती करंजिया डीएफओ एवं रेंजर। एथसहित सातकोशिया अभयारण्य को पठा जाता हाथी महेन्द्र और युवराज को पुणी शिमिलीपा फेर आने सरकार को अनुरोध कर जशीपुर बासिंदा मान। विश्व हस्ती दिवस समय आम लोकल हीरो महेन्द्र को बहुत मिस करूँ। सी आम एटी जो आते काठमाफिया शिमिलीपा बहुत मात्रा थिले एवं झारखंडी हाथी बारंबार आसी आम गोलमाल करते जहाँ से खेदा महेन्द्र को अणाई राजकुमार सहित थे जहाँ कि आम एटी छुआ भाई देखी और राजकुमार महेन्द्र को आज समस्त बहुत मिस करूँ। आम जुवमंच तरफ बारंबार दाबी अभियोग कराइला विश्व हस्ती दिवस आम समस्त चाहूँ महेन्द्र को आरोप वापस अणा जाऊ आम शिमिलीपा को। हाँ ये विश्व हाथी दिवस उपलक्ष मुझे ये कहना चाहूँगी शिमिलीपा गर्व और गौरव जो महेन्द्र एवं राजकुमार ये जो हाथी थे वर्ष वर्ष धरी शिमिलीपा आम शिमिलीपावासी को जो सुरक्षा जोगे आसते काठ माफिया जो शिकारी मानक
ଧରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଫେଲ୍ ମାରୁଥିଲା ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ମହେନ୍ଦ୍ର ହାତୀ ଉପରେ ବସି ବନ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହେଉଥିଲା। ତ ଆଜି ଏଇ ବିଶ୍ୱ ହାତୀ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଯେଉଁ ଆମର ଶିମିଳିପାଳର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ମହେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜକୁମାରକୁ ଯେଉଁ ସାତକୋଶିଆ ଚଞ୍ଚକତା କରି ନେବାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ହୋଇକରି ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସାତକୋଶିଆରୁ ପୁଣି ଏଇ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦାବି କରୁଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାକୁ ଆମେ ଅକେଜନ୍ରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ। ସୋ ସେଦିନ ଆମ ଉପରେ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ଅଲମୋଷ୍ଟ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସବୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ 80-90% ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମର ହାତୀ ବୁଲନ୍ତି। ସୋ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆମର ବହୁତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମର ପାଇଁ ଜନ୍ତୁ ଅଛି, ସ୍ପେଶାଲି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଯେଉଁକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେ ପ୍ରାଇଡ୍ ଆମେ ଯେତେ କେମିତି ଯତ୍ନ କରିବା, ତାକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଓ ରକ୍ଷା ଦେବା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ସେଇ ଅକେଜନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସୋ ସେଇ ଅକେଜନ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ କି ଆମେ ଆୱେର୍ନେସ୍ ମିଟିଂ କରୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଉ କି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ହାତୀରୁ ରକ୍ଷା କରିବା, କେମିତି ହାତୀରୁ ମିନିମମ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ତାଙ୍କର ଘର ଥିବ ନା ତାଙ୍କର କ୍ରପ ଫିଲ୍ଡ ଥିବ, ତାଙ୍କର କେମିତି ଡ୍ୟାମେଜ୍ରୁ ଆମେ କମାଇବା, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ତାକୁ ହାତୀକୁ କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବା, ତାକୁ କେମିତି ତାକୁ କନଫ୍ଲିକ୍ଟକୁ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା, ସେଇ ଉପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସେଦିନ। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ତାଲିବାନ କବ୍ଜାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସେନା ଏବଂ ତାଲିବାନ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ହେଉଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜଧାନୀ କାବୁଲଠାରୁ ମାତ୍ର 150 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏବେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କୀ ଫୋର୍ସ, ଏବଂ ସେମାନେ କାବୁଲ ତାଲିବାନଙ୍କ କବ୍ଜାକୁ ଆସିଯିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭାରତ ତରଫରୁ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ କାତାରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି ଭାରତ। ତେବେ କାବୁଲରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ତାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଅରିନ୍ଦମ ବାଗ୍ଚି। ଭାରତର ଦୂତାବାସ କାବୁଲରେ ବନ୍ଦ ହୋଇନି, ତେବେ କାବୁଲ ସମେତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଭାରତ ଚାଲି ଆସିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ସେଠାକାର ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭାରତ ଫେରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ସଚିବ। 83 ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ହିନ୍ଦୁ ଆଣ୍ଡ ଶିଖ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଇନ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟୁ ଡିଟେରିଓରେଟିଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଚୁଏସନ୍। ଆୱାର ମିଶନ୍ ଇନ୍ କାବୁଲ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ଆନ୍ ଆଡଭାଇଜରି ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ସ ଅର୍ଲିୟର ଦିସ୍ ୱିକ୍, ଆଡଭାଇଜିଂ ଦେମ୍ ଟୁ ରିଟର୍ନ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାୟା କମର୍ସିଆଲ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ସ। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆୱାର ମିଶନ୍ ଇନ୍ କାବୁଲ ହ୍ୟାଡ୍ ଫେସିଲିଟେଟେଡ୍ the return of more than 383 members of the Hindu and Sikh community in Afghanistan to India, and our embassy, our mission in Kabul continues to remain in touch with the Afghan Hindu and Sikh community members, and we will ensure the provision of all necessary assistance to them. Samavichi bulletin ek chhota break ra। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିରରେ ହଙ୍ଗାମା ପରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସରକାର। 8 ମନ୍ତ୍ରୀ 48 ମିନିଟ୍ ଲମ୍ବା ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଣିଛନ୍ତି ସଂସଦ ନ ଚଳାଇ ଦେବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ବିରୋଧୀ କ୍ଷମା ମାଗିବା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଣେ ଜୁଲାଇ 19 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଅଗଷ୍ଟ 13 ଯାଏଁ ଚାଲିବା କଥା, ହେଲେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା ପରେ ଉଭୟ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗୁଆ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିରରେ ହଙ୍ଗାମା, ପୋଡିୟମ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିବା, କାଗଜ ଚିରି ଉଡ଼ାଇବା, ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ମାର୍ଶଲମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିବା, ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ଆସୁଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିର ସଂସଦ ଭିତରୁ। କରୋନା, ଦରବୃଦ୍ଧି ଓ କୃଷି ଆଇନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ବୁଧବାର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ସାଂସଦମାନେ, ହେଲେ ଆଲୋଚନା ତ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗାମାରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। 8 ମନ୍ତ୍ରୀ 48 ମିନିଟ୍ ଲମ୍ବା ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣିଛନ୍ତି ସଂସଦ ନ ଚଳାଇ ଦେବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ବିରୋଧୀ କ୍ଷମା ମାଗିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ, ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ, ମୁକ୍ତାର ଆବାସ ନକ୍ଭି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ, ଅନୁରାଗ ଠାକୁର, ଅର୍ଜୁନ ମେଘୱାଲ, ବି ମୁରଲୀଧରନ୍ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ।
8 मंत्री बसी करथिले 48 मिनिटर लंबा प्रेस मीट। पूरी मेजॉरिटी चाहती है कि हाउस चले, पूरी मेजॉरिटी सरकार के पक्ष में, पूरी मेजॉरिटी चाहती है कि डिबेट हो, डिस्कशन हो, कार्यवाही सुचारू रूप से चले, लेकिन विपक्ष इस बात को हजमा नहीं पाया कि उनके बात से देश पूरी तरीके से उनसे कुछ अपेक्षा ना रखते हुए अब उन्होंने गिव अप कर दिया इस ऑपोजिशन के ऊपर। विरोधी को विरोध रे 8 मंत्री आनिचंती 8 बड़ा अभियोग। विरोधी अधिवेशन को नष्ट करबा को निष्पत्ति नहीं सारिचंती, तेणु गृह कार्य बाधा प्राप्त होईछि। कोरोना महंगा कृषि बिल उपरे आलोचना करबा को सरकार प्रस्तुत थिले। विरोधी माने पेगासस उपरे जिद धरथिले। 2004 रु 2014 पर्यंत यूपीए सरकार बिना आलोचना रे 10,000 बिल पास कले। आमे आलोचना करबा को चेष्टा कलु। निलंबित होइतिबा 6 सांसद ग्लास भांगी घरे प्रवेश करबा को चाहथिले। एही समय रे महिला मार्शल आहत मध्य होइथिले। अगस्त 9 रे टेबल उपरे चढ़ी रूलबुक को चेयर आड़ को फोपाड़ी दिया जाइथिला। विरोधी दलर महिला सांसद माने लेडी मार्शल को सह झगड़ा करथिले, जहां वीडियो फुटेज रे स्पष्ट होछि केही बाहरु आसिनथिले। गृहरे मात्र 30 जन सुरक्षाकर्मी थिले। विरोधी केवल कथाबार्ता एवं विभाजन समय रे शांत रहिले, बाकी समय रे गृहरे हंगामा करथिले। प्रेस मीट करी 8 मंत्री विरोधी को विरोध रे आनिचंती एही 8 बड़ अभियोग। एनै सेमाने कहिचंती विरोधी सेमान को आचरण पई क्षमा मांगंतु। 2004 to 2014, how many bills they have passed, even media, one of the media report is also there. I am not comparing. At that time, even discussion with the oppositions were not properly held. I was also MP at that time. Discussed, passed in DIN. The important bill like bifurcation of Andhra was also passed in DIN. But I don't want to compare with that. But daily we try to them. Har roj hum baat karne ka koshish ki, ki charcha karenge. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts as I spent a sleepless night. जुलाई 19 रे आरंभ होइतिबा संसदर मौसुमी अधिवेशन अगस्त 13 जाय चालिबार थिला। हेले विरोधीक हंगामा परे उभय गृह कार्यकु आगुआ मूलतबी घोषणा कर दिया जायछि। ब्यूरो इनपुट सह दिल्लीरु गगन विश्वाल को रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। सबडे प्रेस मीट परे संसदर होइतिबा हंगामा नै केन्द्र संसदीय व्यापार मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सह अधिक आलोचना करिसेंति हमर दिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वाल। आम सहित अच्छा अर्जुन राम मेघवाल सर, क्या बोलेंगे जिस तरह विपक्ष ने पूरा हंगामा किया उसी को लेकर आप प्रेस मीट बुलाए थे? विपक्ष की शुरुआत के दिनों दिन से ही उनकी मंशा थी कि ये हाउस को वॉश आउट करें, और उसके कारण जो बैड इंटेंशन वो लेकर के आए, इसी वजह से देख रहे हैं आप जितने भी अच्छे प्रस्ताव सरकार की तरफ से एक भी नहीं माना। इवन प्रधानमंत्री जी को अपने नए मंत्रियों का इंट्रोडक्शन ही नहीं करने दिया, इससे लग रहा है ना। और अभी कुछ MP जो है हमारे राज्यसभा में, उन्होंने सहकर्मियों के साथ किस तरह से व्यवहार किया, आप देखिए फुटेज, जिसे पता लगेगा कि एक्शन होगा सर। हमने चेयरमैन साहब से बात की है एक्शन के लिए। हाँ, जमती आप शुणुले से चेयरमैन साहब सहित बा वेंकैया नायडू जी रही राज्यसभा चेयरमैन सहित आलोचना करे कौन कार्यानुषान नि कहीं देखिए पूरा ये घटना को लेकिन बर्तमान सीधा सड़क मंत्री मैंने सरकार सीधा सड़क आसी गणमाध्यम को प्रतिक्रिया रखुं पूरा जो वाश आउट हो चलित मौसुमी अधिवेशन ताकू सहजरे वर्तमान सरकार ग्रहण करूना कहीं अनेक गुड़े बिल आ सरकार विभिन्न प्रसंगे आलोचना करने चाहूल विभिन्न राज्य में समस्या था तेणु बर्तमान निश्चित भाव या पर कौन कार्यानुषान खासकर अपोजिशन मैंने जो मैंने गृह में हंगामा करते अध्यक्ष उपर पेपर फोपाड़ी तापर बर्तमान सारा भारतवासी नजर रही नवर्ष नीरज गगन अर्गस न्यूज। समय सरी बुलेटिन को ये रखा विदा दिंतु, नमस्कार।